प्लान किया था कि मुझे एक महीना हो गया गाड़ी लेके मैंने इंटीरियर नहीं किया था मेरा इधर ही आना था और कम्प्लीटली वन रूफ में मेरा काम हो गया है एंड इवन इनका सजेशंस भी बहुत अच्छा था जैसे हमने ये गैलेक्सी अंदर किया जो आपने मुझे बताया था वो एक थीम बिल्कुल अलग yes. है वो भी मैं बताऊंगी कि सर ये so, गैलेक्सी वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं यस एग्जाम मॉडल है एंड मैंने लेने के टाइम ही प्लान कर लिया था कि मुझे मॉडिफिकेशन ही करना है इसलिए लो मॉडल ही लिया था टॉप मॉडल नहीं लिया ऑब्वियसली मैं आपको फॉलो कर रहा था आपका वर्क देख रहा था एंड मुझे मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी एंड फाइनली मुझे आपका काम बहुत पसंद आया था इंटीरियर Thank के लिए ओवरऑल एक्सपीरियंस लाइक वर्थ है एंड आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको जो ये क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं हम जो कस्टमर्स वही हमें यहाँ पे आपने दिया है एंड रियलीप्पी हैप्पी विथ यू सो मच सर कार का एक्सएम वेरिएंट है अब इसके अंदर हम लोगों ने इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर में ऐसा क्या क्या वर्क किया तो वो मैं आपके साथ शेयर करती तो हूँ साथ तो ही मैं बताने तो वाली हूँ कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तो गए इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और वर्क पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना एट द एंड बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने वैल्यूबल कमेंट्स भी दे देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अब हम बात करें इस कार की फ्रंट व्यू की तो फ्रंट व्यू में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें की है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस कार के अंदर हम लोगों ने टाटा कार जेनुअन हेडलाइट इंस्टॉल करके दिए बेसिक पेरेंट में जैसे कि प्रोजेक्टर्स नहीं आते तो हम लोगों ने इसके अंदर जेनुअन हेडलाइट चेंज किए साथ ही में इसके अंदर हम लोगों ने फॉगलाइट भी अपनी इंस्टॉल करके दिया है नीचे की तरफ जाओगे जो ये बम्पर का फ्रंट

तो वो यहां पे आप देख सकते हैं फ्रंट लुक जब ये गाड़ी रोड पे निकलने वाली है कैसे लगने वाली है वो आप मुझे बताना अब मैं बात करना चाहती हूँ उसके साइड प्रोफाइल के बारे में साइड प्रोफाइल में जैसा कि इस कार के अंदर व्हील्स नहीं आए थे इसके अंदर 16 इंचज़ के रिम्स ही थे इसके अंदर हम लोगों ने प्लाटी के रेड लिप एलॉयज इंस्टॉल करके दी हैं जो कि अपना डोल टोन फिनिश के अंदर है साथ ही में स्पोर्टी लुक को मेन्टेन करने के लिए यहाँ पे इसके जो कैलिपर्स है इसको भी हम लोगों ने रेड फिनिश का लुक दिया वो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड व्यू पे जो भी स्प्लिटर्स का लुक आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा क्लासी आ रहा है अगर मैं बात करूं उसकी रियर प्रोफाइल की तो यहाँ पे एक स्टाइलिश स्पॉयलर भी हम लोगों ने इंस्टॉल किया है जो कि इसकी जो लुक है ना वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग है कि जो इस कार का जो थीम था हमारा स्पोर्टी लुक वाला वो पूरा लुक इसने कंप्लीट कर दिया है रियर से अब बात करते हैं कि इंटीरियर में ऐसा क्या खास किया है और बहुत ऐसी बहुत एक, एक, एक ऐसी चीज़ स्पेशल की है कि आई डोंट नो आपने अभी तक मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आपने अभी तक ये YouTube पे किसी भी वीडियो में नहीं देखा है वो इस कार का रहेगा थीम भी ब्लू प्लस ब्लैक कलर और इसका जो एक डिफरेंट वो वर्क है वो इसका डैशबोर्ड है आप यहाँ पे देख सकते हो जिसको देखने के बाद आप बोल सकते हो कि भाई इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप ना गैलेक्सी में आ गए हो क्योंकि ये एक बहुत डिफरेंट स्टाइल का हम लोगों ने कार्बन फिनिश कह सकते हो या हाइड्रो डिपिंग कह सकते हो वो हमने इस कार के अंदर किया है आपको बताना है कि ये आपको वर्क इस कार के अंदर कैसा लग रहा है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे खास बात जो मुझे इस कार की लगे कि इसके सारे डोर्स नाइनटी डिग्री पे ओपन होते हैं मतलब सुपर अब बात करते हैं नेक्स्ट की इस कार के अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं उसका ब्रीफ मैं आपको धीरे धीरे करके देती हूँ सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट्स की सीट्स यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने डुअल टोन इसको रेडी करके दिया है बहुत ही स्पोर्टी थीम जैसे इस कार के अंदर हम लोगों ने ली है तो यस उसके अकॉर्डिंगली सीट्स को डुअल टोन लुक रखा है ब्लू कलर प्लस अपना ब्लैक कलर लेदर की बात करो तो ये हमारा ब्रिटिश लेदर है और इसकी जो फिनिश है ये बिल्कुल आपको प्योर लेदर जैसी मिलती है मतलब आपको ये नापा लेदर जैसा फील देने वाला है लुक वाइज और उसके बाद एक एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से ब्लैक कलर का सेंटर में वर्क किया गया है और इसके अंदर जितना भी परफोरेशन भी दिया है हम लोगों ने फोल्डिंग के अंदर वो भी आपको परफोरेशन डिफरेंट स्टाइल का देखने को मिलने वाला है और इस सीट की एक और ख़ास बात ये है कि इसके अंदर जो थ्रेडवर्क यूज़ किया गया है वो वाइट कलर का किया गया है क्योंकि हमारी थीम जो है वो थ्री टोन के अंदर है डैशबोर्ड आप गैलेक्सी वाला ऑलरेडी देख चुके हैं साथ ही में इसके अंदर थ्रेडवर्क के साथ साथ आप इसका हेड्रेस देख सकते हैं हेड्रेस को भी हम लोगों ने डुअल टोन में रेडी करके दिया है येस जैसा कि इस गाड़ी का एक्सम वेरिएंट था तो यस इसके अंदर आपका आर्मरेस नहीं आता है। तो इसके अंदर हम लोगों ने टाटा का ही जनरल आर्मरेस इंस्टॉल करके दिया है और उसको भी डुअल टोन लुक दी है आप देख सकते हो ब्लू प्लस अपना ब्लैक कलर के अंदर हैवी कुशनिंग के साथ भी रेडी करके दिया है पियानो फिनिश भी इसके अंदर यूज किया गया है गेयर पैनल का लुक भी देख सकते हो यहाँ पे भी जो हम लोगों ने कार्बन फिनिश या हाइड्रो डिपिंग किया डिफरेंट स्टाइल में गैलेक्सी वाला आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे बूट देख सकते हैं इसकी लुक को कंप्लीट करने के लिए सेंटर से यहाँ पे बूट को भी ब्लू कलर का रखा हुआ है वो यहाँ पे आप देखिए रूफ की बात करूंगी तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रूफ का ये मेटेरियल ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है तो इसमें आप देखिए ऑलरेडी आपको ना हनी कॉम डिजाइन जैसा लगने वाला है साथ के अंदर ये डुअल शेड के अंदर मिलेगा आपको ब्लैक विद व्हाइट फिनिश के साथ साथ में सनशेड को हम लोगों ने ब्लैक मैट के अंदर रखा हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीरियो पैनल की बात करना चाहूंगी स्टीरियो पैनल आपका मैट ब्लैक के अंदर था इसके अंदर हम लोगों ने पियानो फिनिश किया अब बात करना चाहूंगी इसके स्टेयरिंग व्हील के स्टेरिंग व्हील यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजाइनर में हम लोगों ने स्टेरिंग व्हील को रेडी करके दिया ब्लू प्लस ब्लैक कलर के अंदर व्हाइट कलर का थ्रेडवर्क है बहुत स्मूथ है स्टेरिंग आप देख सकते हैं हॉर्न पैड स्टेयरिंग के लुक को कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे भी आपको हाइड्रोडिपिंग देखने को मिलने वाला है स्टेयरिंग के बी पैनल को पियानो फिनिश रखा गया है गाड़ी के अंदर जितना भी आपका ग्रे पार्ट था हम लोगों ने उसी पार्ट को अपना ब्लू में कन्वर्ट करके दिया क्योंकि हम नहीं चाहते थे जैसे कि गाड़ी बाहर से ब्लू कलर की है और अंदर जिस तरीके का वर्क किया गया ये ब्लू और ब्लैक ये हमारे एक्सटीरियर से पता है बिल्कुल मैचिंग लग रहा है अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो उसके बाद जितना भी लोअर पार्ट है यहाँ पे हम लोगों ने लेदर सॉफल कोटिंग करके दिया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइनडी फ्लोरिंग कार स्टाइलिंग पे आने के बाद हर कस्टमर की पहली पसंद अगर फ्लोर में कुछ लगवाना है तो वो सिर्फ 90 फ्लोरिंग ही लगवाना चाहते हैं

वर्क भी किया आपको ऐसा ही फील होगा कि कंपनी फिटेड ही है बात करते हैं कि ओपन होने के बाद क्या क्या चीजें आपको दी जाती हैं इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कप होल्डर भी दिया गया है वो यहाँ पे आप कंप्लीट तरीके से देख सकते हैं रियर से अगर आप सीट्स का व्यू भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको पॉकेट के ऊपर मिलने वाला है ब्लू कलर का अच्छा सा इंसर्ट वो यहाँ पे आप देखिए अगर बात करूँ इसके डोर्स की तो डोर्स पे आप देख सकते हैं जितना भी आपका जो एरिया था वाइट कलर का या ग्रे कलर का उसको हम लोगों ने लेदर सॉफ्ट कोटिंग करके दिया ब्लू कलर में यहाँ पे आपको लेदर आप देखने को मिलने वाला है ब्लैक कलर के अंदर बेस्ट पार्ट पता है क्या है इसके अंदर? इसके अंदर अंदर आपको डुअल टोन का देखने को मिलने वाला है ब्लू प्लस वाइट कलर के अंदर एक और चीज है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कारपेट पे कुछ भी डस्ट वगैरह चली जाती है तो उसको क्लीन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और जैसा कि आप देखिए जो इसकी पार्सल ट्रे थी यस उसके ऊपर कारपेट वाला ही मटेरियल लगा हुआ था तो ये उसको क्लीन करने में कस्टमर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी वो कहते थे कि मैम डस्ट चिपक जाती तो चिपक ही जाती है कितना भी ट्राई कर लो वो डस्ट नहीं निकलती है उसके लिए यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों ने इस पे भी लेदर अपोल्स भी इंस्टॉल कर दी अपने डुअल टोन के अंदर वो भी नॉट इवन सिंगल कलर जो हमारी थीम है ना उसी के साथ भी ही इस चीज को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है ब्लैक प्लस अपना ब्लू विद वाइट थ्रेडवर्क साथ में अगर आप बूट स्पेस भी देखने वाले हो उसका तो यहाँ आप देखिए बूट स्पेस पे भी हम लोगों ने 90 फ्लोरिंग का पार्ट इंस्टॉल करके दिया है ताकि अब यहाँ पे कुछ भी कस्टमर अगर लगेज वगैरह कुछ भी रखता है तो उससे जो कारपेट वाला मटेरियल है वो अपना ख़राब ना हो तो यहाँ करते हैं इस वीडियो को एंड तो प्लीज़ बहुत मेहनत की इस कार को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए और मतलब जो एक कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी ज़्यादा काम करने की बहुत मेहनत की है होपफुली आप सभी लोगों को पसंद होगा तो वर्क पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये पहली एल्ट्रोस जो मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो पे मैंने अपलोड किए वो आप सभी लोगों को कैसी लगी तो वह फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक न्यू कलर कॉम्बिनेशन के साथ न्यू कार के साथ तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे ट्यून एंड बाय बाय